अगर आप अपने लिए एक बेस्ट 43 इंच की प्रीमियम सेगमेंट की टीवी परचेस करना चाहते हैं और बजट आपके लिए बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है और आप कंफ्यूज हैं एलजी, सैमसंग और सोनी की 43 इंच की टीवी के बीच में, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इन तीनों ही ब्रांड की 43 इंच की टीवी के बीच में डिटेल कंपैरिजन के बताएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको मदद मिलेगी इनमें से एक बेस्ट टीवी को अपने लिए परचेस करने में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों ही टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूजर इंटरफेस के बारे में। तो सैमसंग में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, एलजी में आपको वेबओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जबकि सोनी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। और ये दूसरे नॉर्मल टीवी जैसा गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये काफ़ी फास्ट है और आपको बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें दोस्तों कि आपको ऐप्स का एक्सेस कितना मिलेगा, तो दोस्तों गूगल टीवी यानी कि सोनी की टीवी में आपको अनलिमिटेड जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म पर एप्स होती हैं वो आप एक्सेस और यूज कर सकते हैं, जबकि आपको एलजी और सैमसंग में लिमिटेड ऐप्स को यूज करने का एक्सेस यहां पर मिलता है। वहीं बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस किसका बढ़िया है, तो परफॉर्मेंस वैसे आपको तीनों का ही शानदार मिलेगा, क्योंकि आपको इन तीनों ही टीवी में इनकी इंडिविजुअल चिप मिलती है। आपको सोनी की टीवी में X14 के प्रोसेसर चिप मिलती है, जबकि आपको एलजी की टीवी में AI प्रोसेसर Gen 6 उनकी जो है वो इंडिविजुअल चिप मिलती है, और सैमसंग में आपको क्रिस्टल प्रोसेसर 4 की चिप यहां पर मिलती है। दोस्तों इन तीनों ही टीवी के जो प्रोसेसर की चिप मिल रही है, इनका परफॉर्मेंस आपको काफी अमेजिंग और ब्रिलियंट यहां पर देखने को मिलता है। वहीं बात करें रिमोट की, तो दोस्तों आपको एलजी और सैमसंग के टीवी में IR रिमोट मिलता है, यानी कि बटन के थ्रू आप टीवी को कमांड देकर ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही आपको OTT एप्स की हॉटकेस भी देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों आपको सोनी की टीवी में जो रिमोट मिलेगा उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ में आपको OTT एप्स की हॉटकेस भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम रिमोट की बात करें तो आपको सोनी की टीवी में बेहतर रिमोट यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो दोस्तों तीनों ही टीवी में आपको 4K अल्ट्रा HD यहाँ पर रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन रिफ्रेश रेट दोस्तों आपको सोनी और एलजी की टीवी में 60Hz का मिलता है, जबकि आपको सैमसंग की टीवी में 50Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों तीनों ही टीवी को अगर आप 178° वाइड व्यू एंगल से भी अगर वॉच करेंगे तो आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस होगा। बात करें दोस्तों किसकी वीडियो क्वालिटी आपको बहुत बेहतर देखने को मिलती है, सैमसंग की टीवी में दोस्तों आपको 1 बिलियन कलर का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है और प्योर कलर आपको दिखता है, यानी कि एक रियल टाइम वीडियो क्वालिटी का आपको एक्सपीरियंस होता है। वहीं दोस्तों आपको एलजी की टीवी में HDR कंटेंट यानी कि हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट का सपोर्ट मिलता है और आपको IPS पैनल देखने को मिलता है और एक अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको एलजी की टीवी से भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों कंपेयर टू सोनी के मुकाबले सोनी की वीडियो क्वालिटी आपको सबसे अमेजिंग देखने को मिलती है। यहां पर आपको 4K HDR यहां पर पैनल देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीडियो क्वालिटी के मामले में कंपेयर टू सैमसंग और एलजी से बेहतर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं रेम और रोम की, तो दोस्तों रेम और रोम का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनकी कुछ की अपनी इंडिविजुअल प्रोसेसर की चिप है जो कि आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भी नंबर्स की बात करें तो आपको सैमसंग की टीवी में 2GB रेम और 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जबकि आपको एलजी की टीवी में 1.5GB रेम और 8GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। सोनी की ओर से दोस्तों रेम कितनी मिल रही है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल स्टोरेज इस टीवी में 16GB देखने को मिल जाती है। वहीं कनेक्टिविटी पोर्ट की बात करें तो आपको सैमसंग और सोनी के टीवी में 3 HDMI और 1 USB पोर्ट मिलेगा, जबकि आपको एलजी की टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट मिलता है। साथ ही दोस्तों इन तीनों ही टीवी में आपको ब्लूटूथ और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं साउंड ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों तीनों ही टीवी में आपको 20W आउटपुट के स्पीकर मिलता है, लेकिन अगर हम साउंड क्वालिटी को कंपेयर करें तो आपको सोनी की टीवी में जो स्पीकर मिल रहा है वो ओपन बफेले स्पीकर मिल रहा है, और ये टीवी के स्पीकर जो है दोस्तों इतने ज़्यादा लाउड भी नहीं होते हैं, आपको एक अच्छी क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी जो है वो सोनी की टीवी में देखने को मिलती है। तो कंपेयर टू सैमसंग और एलजी के मुकाबले आपको सोनी की टीवी में साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर देखने को मिलेगी, लेकिन एलजी और सैमसंग की भी साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, एक अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इनकी टीवी में भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले डिज़ाइन की, तो आपको सोनी की टीवी में बेजल लेस डिजाइन जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी जो बेजल है वो इतनी ज्यादा छोटी और नेरो आपको नहीं देखने को मिलती है, जबकि एलजी और सैमसंग की टीवी में आपको 3 साइड बेजल लेस डिजाइन मिलेगी और इसकी जो क्रोम और बेजल है वो काफी नेरो है,
है, जिससे कि टीवी का लुक्स आपको कंपेयर टू सोनी के मुकाबले काफी स्टाइलिश और अमेजिंग यहां पर देखने को मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो आपको सैमसंग की टीवी में काफी अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, वहीं आपको सोनी और एलजी की टीवी में भी काफी अच्छी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम गेमिंग के हिसाब से बात करें तो तीनों ही टीवी आपको गेमिंग के हिसाब से भी काफी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं वारंटी की, तो दोस्तों 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी आपको तीनों ही टीवी पर मिलेगी, लेकिन 1 साल की एडिशनल पैनल पर वारंटी एलजी आपको अलग से ऑफर कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। वहीं प्राइस की बात करें तो सैमसंग की इस टीवी को फिलहाल आप परचेस कर सकते हैं 30,990 रुपए में, वहीं आप एलजी की इस टीवी को फिलहाल परचेस कर पाएंगे 32,990 रुपए में, वहीं आप सोनी की टीवी को फिलहाल परचेस कर सकते हैं 42,990 रुपए में। कंपेयर करें दोस्तों हम सैमसंग और एलजी की टीवी के मुकाबले सोनी की टीवी की प्राइस को, तो यहां पर आपको 10,000 रुपए तक महंगी देखने को मिलती है सोनी की टीवी। दोस्तों एलजी की टीवी आपको सैमसंग से 2,000 रुपए तक महंगी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें कि दोस्तों इन तीनों ही टीवी में से किस टीवी को हमें परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपका बजट 31,000 रुपए के आसपास है तो आप सैमसंग की टीवी के साथ जाएं, जो कि आपको एक डिसेंट पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करती है और आप सेटअप बॉक्स के साथ इस टीवी को एंजॉय कर सकता है। वहीं एलजी की टीवी में भी दोस्तों आपको जो है वो प्राइस सेगमेंट केवल 33,000 के आसपास ही देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छी प्राइस रेंज में आपको ये टीवी देखने को मिल जाती है। आप अगर सेटअप बॉक्स के साथ एक अच्छी टीवी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एलजी की टीवी भी आपको एक अच्छी डील प्रोवाइड करती है। वहीं दोस्तों अगर आपके लिए बजट कोई कंसर्न ही नहीं है तो फिर आपको सोनी की टीवी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको वीडियो क्वालिटी के मामले में या साउंड क्वालिटी के मामले में काफी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट नंबर पर सोनी है, सेकंड नंबर पर सैमसंग है और थर्ड नंबर पर एलजी है। दोस्तों ये तो मेरे द्वारा दी गई रैंकिंग है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपको मदद हो एक बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए चूज़ करने में। अगर आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें, क्योंकि आपको वहां पर बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऑफर्स मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से अगर परचेस करते हैं तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन आप इनडायरेक्टली हमारे चैनल की काफी फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन सोनी एलजी और सैमसंग की 43 इंच की टीवी के बीच में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो कंपैरिजन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।